नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी और गणेश चतुर्थी की शुरुआत में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पौधे से आपका मैं परिचय कराने वाला हूं। यहां पर देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसे हम घास कहते हैं और इसे दूरवा के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री गणेश को ये पूरी गणेश चतुर्थी से लगा के सारे गणेश उत्सव में हम चढ़ाने वाले हैं। इस पौधे के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, तो आज मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊंगा जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं और आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं। और गणेश जी चूँकि भगवान शिव के बच्चे हैं तो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई बातें हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और वो एक बार पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, या फिर अच्छी तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस दूरवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये गणेश जी को चढ़ाई जाती है और गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं। यहाँ तक कि बुधवार जो बुद्धि से संबंधित दिन माना जाता है, उस दिन हम भगवान श्री गणेश का पूजन विशेष तौर पर करते हैं। तो ये आध्यात्म की बात नहीं है, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। ये जो दुर्वा नामक पौधा है, ये गणेश जी को चढ़ाया जाता है, और अगर हम ये मानते हैं कि वो बुद्धि के देवता हैं तो 100% ये जो दुर्वा है इसमें भी बुद्धि से जुड़ी हुई बहुत सारे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें से एक चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि जब हम गणेश जी का पूजन करें तो हमें 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। दो दो दुर्वा करके हमें 10 पेयर चढ़ाने चाहिए और आखिरी में एक दुर्वा चढ़ाना चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे कि दुर्वाम युग्मम समर्पयामी, दो दो दुर्वा चढ़ाएंगे और कहेंगे दुर्वाम युग्मम समर्पयामी, ऐसे हम 10 बार चढ़ाएंगे और आखिरी में एक दुर्वा दुर्वाम एकम समर्पयामी ऐसे चढ़ाएंगे। और ये 21 दुर्वा चढ़ाने के बाद हम इसको क्या करें, इसको हम फेंक दें कि इसको हम कहीं विसर्जित करें या हम नदियों को गंदा करें, क्या करें इसको? तो इसके लिए मैं आपको इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधि गुण के बारे में बताऊं कि ये पूरी 21 दुर्वा आप धो लीजिए और धो करके आपके घर में छोटा खरल होगा अदरक कूटने का, उसमें कूटिए और कूट के इसकी चटनी बनाइए, या फिर इसका स्वरस निकालिए, निचोड़ के इसका रस निकालिए और एक चम्मच रस आप अपने बच्चों को पिलाइए पूरे के पूरे गणेश उत्सव के दौरान। 8 दिन 9 दिन 10 दिन 13 दिन जितने दिन भी आपके यहाँ गणेश उत्सव होता है, और बारिश में दुर्वा बहुत अच्छी मात्रा में चारों तरफ उगी है, तो सामान्य घास और दुर्वा में थोड़ा सा भेद आप समझें और वो भेद को समझने के बाद उसको खुद अपने हाथ से प्रणाम करके कलेक्ट करें। उसे प्रार्थना करना है कि आप घर में चलिए, मैं आपको गणेश जी को चढ़ाना चाहता हूँ और उससे गणेश जी प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर आपका मैं औषधि उपयोग भी करूँगा, मेरे बच्चों की मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए भी आप सहयोग करें, ऐसे प्रार्थना करके दुर्वा घर लेकर आइए और 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए और उसको कूट कर या तो उसकी चटनी बना के बच्चों को खिलाइए या उसका स्वरस बना के बच्चों को खिलाइए, रस निकाल के खिलाइए, या फिर ऐसे ही ये 21 दुर्वा कूट के बच्चों को चबाने के लिए दीजिए। आप देखेंगे कि मात्र इन 13 दिनों में आपके बच्चे की मेधा शक्ति में बहुत अद्भुत परिवर्तन आएंगे, आपके बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी होगी, धी धृति स्मृति हर स्तर पे, चाहे वो रिटेंशन पावर हो जो पढ़ा हुआ है उसको एग्ज़ाम टाइम में याद करने की बात हो, चाहे जो पढ़ने बैठा है तो कंसंट्रेशन की बात हो, हर स्तर पे उसके मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप उसका एलिवेशन देखेंगे, हर मानसिक स्तर पे आप उस अपने बच्चे को ऊपर उठते हुए देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये दुर्वा के बारे में हमने एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इस वक्त हम यहाँ पर गंभीर डैम में आए हुए हैं और गंभीर डैम के पास उज्जैन में हमने इस दुर्वा का कलेक्शन किया है। मैं आपके साथ डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना त्रिपाठी, मेरी वाइफ हैं।